हेलो फ्रेंड्स, मैं मीना और सब कैसे हैं आप। तो देख सकते हो दोस्तों, मौसम बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी। और एक बज रहा है और एक बजे भी देखिए मौसम कितना अच्छा है। तो बस थोड़े से अपने प्लांट दिखाते हैं आपको, कितने खुश हैं, कितने हैप्पी हैं प्लांट हमारे। और प्लांट खुश हैं, हैप्पी है तो हम भी खुश हैं, क्योंकि प्लांट से ही हम बहुत अच्छा लगता है हमें प्लांट ऐसे देख के, खुश देख के। तो सबको ही, हर गार्डनर लवर को दोस्तों प्लांट से प्यार होता है। और जब हमारे प्लांट्स इतने हैप्पी, इतने खुश होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है देख के। और ब्यूटीफुल से फ्लावर खिले रहते हैं और मौसम बहुत अच्छा है अभी। और देखिए कैनफ हिबिस्कस कितने सारे लग गए हैं और काफ़ी सारे इसमें लगे हुए हैं। और मैंने कुछ एक हटा दिए थे, बांट भी दिए थे, बाकी बहुत सारे ढेरों प्लांट हैं। और यहाँ पे देखिए कितने सारे ये मेरे वाशरूम के प्लांट लगे हुए हैं, और मैंने अलग भी लगा दिए हैं, थिनिंग भी कर दी है, फिर भी बहुत सारे हैं। और यहाँ पे देखिए पानी भर गया है बारिश का, तो कल बारिश हुई थी और अभी मौसम बहुत अच्छा है, तो देखते हैं। और यहाँ पे देखिए मशरूम्स खिला हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों मशरूम्स। और अभी मेरे बालसम नहीं खिले हैं क्योंकि लेट मैंने सीड डाले थे, तो लेट ही निकले थे, अब लेट ही मेरे में फ्लावरिंग होगी। और पर्सलिन देखिए दोस्तों कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने खूबसूरत पर्सलिन है, बहुत ही प्यारे हैं इस टाइम पे दोस्तों। अगर आपके यहाँ लगे हों पर्सलिन तो उनको ज़रूर कटिंग से बहुत सारे लगा लीजिए, कटिंग से ईजिली लग जाते हैं और छोटी छोटी कटिंग लग जाती है इनकी, तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, कई जगह लगा लीजिए। और यहाँ पे देखिए ये कितना खूबसूरत सा प्लांट हो गया है, यहाँ पे मैंने बारिश में रख दिया। और ये कैनफ जो अपने आप निकले थे, छोटे से तसला में लगा हुआ है, छोटा सा है, प्लास्टिक का है। और देखिए गहरा नहीं है इसका ज़्यादा, ये छोटा सा ही है, इसमें अच्छे से लग गया है। और यहाँ पे मेरे मिर्च के प्लांट है। और दोस्तों कैलेडियम देखिए कितना प्यारा लग रहा है इस टाइम पर, देखिए कितने खूबसूरत से पत्ते हैं इसके कैलेडियम के, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। न्यू न्यू पत्तियाँ और निकलती आ रही हैं कैलेडियम में, बहुत ही प्यारे लगते हैं कैलेडियम, तो आप ज़रूर लगाइए। एक बल्ब से ढेरों निकल आते हैं, ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं कैलेडियम के पत्ते देखिए। तो लग रहा है ना दोस्तों, अभी बारिश का जो गार्डन हमारा होता है बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आप जितने चाहे प्लांट मर्जी कटिंग से तैयार कर लीजिए, इनकी रिपोर्टिंग करिए, प्रूनिंग करिए, कुछ भी कर सकते हैं प्लांट में, तो अभी आपके प्लांट सरवाइव कर जाते हैं। और जो हम की ईयर इनको कटिंग से लगा सकते हैं विनका को, और फिर एक प्लांट में दो कलर की कटिंग भी लगा सकते हैं, मतलब कि जैसे कि हमारे ये प्लांट है, इसमें हम वाइट कलर का यहीं से लगा देंगे कट करके, तो बहुत ही खूबसूरत इसमें वाइट कलर के फूल निकल आएंगे। और मुझे लगाना भी है दोस्तों, इसमें से वाइट लेके इसमें लगाना है, और मैंने एक बार लगाया था तो चल गया था, और फिर मैंने कटिंग कर दी थी, भूल गए थे तो वो हट गया था। और ये सब लेयरिंग भी कर सकते हैं दोस्तों, और हर काम अभी बारिश में आप कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और जो बीट्स भी बहुत निकलती है दोस्तों, तो बीट्स को आप हटाते जाइए, और काफ़ी सारी बीट्स निकलती हैं तो उनको हटाते जाइए। और यहाँ पे देखिए करेले की बेल ऐसे चढ़ते जा रही है, अपने आप ये करेला निकला है। और इसमें देखिए कितनी सारी कलियाँ आ रही हैं, पिंक कलर का है दोस्तों ये, और इसमें देखिए कितनी सारी बीट्स निकल रही है, ये देखिए, तो उनको हटाना है। और ये एक बेल इसमें से भी निकल रही है, मिट्टी जरा सी है उसमें, बहुत थोड़ी सी मिट्टी पड़ी है, उसमें से बेल निकल आई है। और यहाँ पे कचरे की बेली है शायद, तो वो भी निकल आएगी, अपने आप लग जाएगी। और यहाँ पे देखिए कितने प्यारे से दोस्त लग रहे हैं, तो बस आपको ऐसे गार्डन दिखाना है। और दोस्तों आज मैंने कुछ गार्डन में कुछ काम नहीं किया, बस ऐसे ही देखने आई थी, खूबसूरत लग रहा था तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए। इतने प्यारे लग रहे हैं दोस्तों, इतने खूबसूरत से फूल खिले हैं। और इस बार ज़्यादा टाइम नहीं मिलता दोस्तों मुझे गार्डन में काम करने का, तो बस पर्सलिन की कटिंग में भी मैंने ज़्यादा नहीं लगा पाई है, इस बार कम ही लगी हैं, और जितनी लगी हैं काफ़ी हैं, क्योंकि अब टाइम दोस्तों नहीं ज़्यादा मिल पाता है काम करने का छत पे, तो जितना टाइम मिलता है उसी में हम काम कर लेते हैं। और यह देखिए कितना प्यारा सा खूबसूरत सा ये लग रहा है हमारा चंपा। और यहाँ पर भी बहुत अच्छे से प्लांट लगे हुए हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ मोहल्ले में रामधुन चल रही है, तो उसकी आवाज़ आपको आ रही होगी, रामधुन है हो रही है। और यहाँ पे देखिए कितने प्यारे से बहुत अच्छे प्लांट लग रहे हैं। और नींबू देखिए कितने सारे नींबू लगे हैं, तो एक ओवर व्यू ही समझ लीजिए इसको दोस्तों। यहाँ पे देखिए कितने प्यारे से फूल खिले हुए हैं, और हवा भी अच्छी चल रही है। ये देखिए मेरा प्लांट कितना बड़ा हो गया है यहाँ पर, चंपा का प्लांट। और यहाँ पे देखिए कितने सारी इसमें कलियाँ आई हुई हैं, देखिए कितना खूबसूरत सा है। और यहाँ पे देखिए कितना प्यारा सा ये फूल खिला हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों।
और ऐसे हवा चलती है तो बहुत ही प्यारे लगते हैं प्लांट। और यहाँ पे देखिए ये करेला की बेल कुछ इस तरह से ऐसे चढ़ गई है। इसमें टंकी में इतने सारे ढेरों प्लांट निकले हैं दोस्तों, मैंने सब उखाड़ उखाड़ के इसमें डाल दिए थे और अपने आप ही ये सब निकल आए हैं। देखिए तो इस तरह से कुछ है, देखिए चल रहा है। और वहाँ पे मेरे गुलदावली लगे हुए हैं पिछले साल की। और यहाँ पे करेला देखिए कितना अच्छा से करेला लग गया है, बड़ा है, बड़ा भी हो गया है, तोड़ना है। ओह सॉरी दोस्तों, चिट चिट चिट, ये तो पक ही गया है, इसको हमने तोड़ा ही नहीं, पक गया। देखिए येलो कलर का हो गया, पक गया एकदम, अब तो ये काम का ही नहीं है, किसी सीड बस ले लें इसके और कोई काम का नहीं है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे दोस्तों प्लांट है, बहुत सारे ढेरों प्लांट है। और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से मिनका है, और यहाँ पे मेरे सकुलेंट प्लांट्स भी रखे हुए हैं उस तरफ, और इस तरफ कोलियस भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे मैंने अपना मनी प्लांट रख दिया था ताकि ये पानी में थोड़ा सा अच्छा हो जाए, क्योंकि पानी दोस्तों बहुत ज़रूरी था इसमें। और ऐसा हो गया दोस्तों ये प्लांट तो कि निकालना भी इसको मुश्किल है, तो बस तरह से चल रहा है। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा हेल्दी प्लांट हो गया है। और यहाँ पे देखिए ये मेरा थूजा का प्लांट विद्या का, और यहाँ पे देखिए ये क्रिसमस ट्री, देखिए इसकी हेड देखिए कितना अच्छा हो गया है ना। और यहाँ पे मेरा अगेन वही लगे हुए हैं, और यहाँ पे देखिए बालसम लगे हुए हैं, और यहाँ पे देखिए कैलेडियम कितना अच्छा हो गया है, बहुत ही प्यारा लगता है ये कैलेडियम। और यहाँ पे देखिए कितने सारे, यहाँ पे अडेनियम जो मैंने रिपोर्टिंग की थी ना वही है, और न्यू न्यू ग्रोथ इनमें शुरू हो गई है दोस्तों। और बस पानी में ही रखे हुए हैं ऐसे ही डायरेक्ट पैरिस में। और यहाँ पे मेरा अमरूद का प्लांट लगा हुआ है, चमेली का प्लांट लगा हुआ है, और कुछ इस तरह से है। वहाँ पे एक तुरई भी लग गई है जो कि मैंने देख ही नहीं पाई, बड़ी हो गई है। और यहाँ पे देखिए ये मेरा मधुकामनी का प्लांट लगा हुआ है, और यहाँ पे कुछ टूटे मटके थे तो मैंने ऐसे लग दिए। और यहाँ पे समी है, और यहाँ पे देखिए कितना प्यारा सालमांडा खिला हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है अलमांडा का प्लांट, बहुत ही प्यारे ढेरों फूल खिलते हैं इसमें, देखिए कितने सारे फूल खिले हैं, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसको मैंने देखिए खाद दी थी इसकी, और इसको दोस्तों इसमें मैंने खाद दी थी और गुड़ाई की थी, तो देखिए अब अच्छे हेल्दी हो गया है। और यहाँ पे मेरा गोरी चोरी का प्लांट है जो कि यहाँ से कट कर दिया था, तो यहाँ से देखिए ब्रांचेस निकल आई हैं, और यहाँ से भी निकली हैं, यहाँ से कितनी सारी ब्रांचेस निकली है। तो हम इसको जब कट कर देते हैं दोस्तों वो काफ़ी घना हो जाता है, रसीलोक हो जाता है इसमें। तो आप कट जब भी कोई प्लांट आपका ऐसा लंबे लंबा हो रहा हो तो उसको कट करने से मत डरिए, क्योंकि हम काटेंगे तभी घना होगा, गुस्से होगा। और यहाँ पे ये मेरा फाइकस है जो कि बहुत ही बॉन्साई बना रहे हैं हम इसको, और देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा लगता है ये फाइकस। और यहाँ पे देखिए यही सब चल रहा है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 दोस्तों लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।